बीएचयू में स्थापित आरएसएस संघ भवन की दुर्लभ तस्वीर भारत कला भवन में सौंपी गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1937-1938 में स्थापित आरएसएस संघ भवन की दुर्लभ तस्वीर प्रमिल पांडे की ओर से भारत कला भवन में सौंपी गई। इस दौरान प्रमिल पांडे ने बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जहां पूरे विश्व में अपना एक अलग ही नाम और पहचान है, वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1937-1938 में आरएसएस संघ भवन बनवाया गया था, जो 22 फरवरी 1976 को आपातकाल में उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इशारे पर पूरी आरएसएस संघ भवन को रातोंरात धराशायी कर उसका मलबा रातोंरात हटा दिया गया। इसी कड़ी में प्रमिल पांडे से बात करने पर उन्होंने बताया कि भारत कला के उपनिदेशक के निर्देशानुसार आज कई दिनों से मैं भारत कला भवन आता रहा और ये दो फोटो देने की बात करते रहे हैं, मगर यहां हम लोगों को ये कहकर हटा दिया जाता रहा कि यहां आज कोई संबंधित अधिकारी नहीं है। इसी संदर्भ में जो मेरे पास एकमात्र फोटोग्राफ बचा है उसे मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन में एक उचित स्थान दिलाने के लिए कई दिनों से संघर्षरत रहा। आज हमें सफलता मिली और यहां के अधिकारियों ने इन फोटोग्राफ्स को रिसीव कर लिया है। आज किस तरह का फोटोग्राफ्स लेके आप भारत कला भवन आए, क्या उद्देश्य रहा? ये सन 1937-38 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा आरएसएस संघ भवन यहाँ बनवाया गया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अभिलेखों में उसे संघ आर्मरी या संघ स्टेडियम के नाम से दर्ज किया गया। उस संघ भवन को 22 फरवरी 1976 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शह पर यहाँ के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर केएल श्रीमाली जी द्वारा तोड़ दिया गया। 18 ट्रक पीएसी लगाई गई थी और रात के अंधेरे में पूरे मलबे को फेंकवा दिया गया था। उसके संबंध में कोई भी दस्तावेज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पास नहीं है आज की तारीख में, न तो कोई फोटोग्राफ है, न तो कोई इतिहास ही किसी के पास उपलब्ध है। विभिन्न शोध पत्रों में, विभिन्न किताबों में इस संघ भवन के बारे में लिखा गया है। विगत दिनों यहीं के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर साहब जो 1955 से 70 के बीच में यहाँ पर रहे हैं, यहीं पर पढ़ाई भी उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में किया है, उनके द्वारा मुझे फोटोग्राफ प्राप्त हुआ और तथ्यों को और विभिन्न पत्रिकाओं से, पत्रों से, शोध पत्रों से, किताबों से मैंने इतिहास को जुटाया। चूँकि ये इतिहास, ये हिस्ट्री ख़त्म की जा चुकी थी, पुनर्जीवित करने के लिए मैं आज कला भवन को ये सौंपा हूँ। कला भवन की अनुमति से पूर्व में मैंने एक पत्र लिखा था इनको, उस पत्र के जवाब में कला भवन द्वारा मुझे सूचित किया गया कि आप किसी भी वक्त आकर ये पत्र, आप यहाँ इसका इतिहास और ये फोटोग्राफ दोनों सौंप सकते हैं, इसलिए आज मैं यहाँ आया था। कितने दिक्कतें आई आप बता रहे थे कुछ लेने? मैं विगत 3 दिनों से यहाँ दौड़ रहा था, यहाँ मुझे बताया जाता था कि ये नहीं है तो वो नहीं है, रिसीव नहीं किया जा रहा था। आज भी ये रिसीव नहीं किया जा रहा था, तब मैंने कहा कि भाई अगर आप आज रिसीव नहीं करेंगे तो मैं कुलपति जी के पास जाके इसको रिसीव कराऊंगा, क्योंकि आपकी अनुमति से मैं यहाँ बार बार दौड़ रहा हूँ और आप लोग इसको ले नहीं रहे हैं। तो किसी प्रकार से करीब आधे घंटे मुझे यहाँ पर बैठाया गया और बैठने के बाद फिर यहाँ के सेक्शन अफसर द्वारा ये दोनों फोटोग्राफ रिसीव किया गया। हीला हवाली कारण क्या था? इनका कहना है कि पहले दिन डिप्टी डायरेक्टर मैडम ने मुझसे कहा कि आप मीडिया से नहीं बताएंगे कुछ, तो भाई ये तो प्रदर्शनी की चीज़ है, संग्रहालय में लगना है, किसी को बताएंगे नहीं, किसी को दिखाएंगे नहीं, ये क्या मतलब है? एक हिस्ट्री को आज जिंदा किया जाना है, संग्रहालय होता क्यों है? संग्रहालय तो इसीलिए होता है कि जो इतिहास, जो पुरातात्विक हमारा इतिहास ख़त्म हो चुका है उसके बारे में लोगों को, जनता के बीच में जानकारी प्राप्त हो, तो उसको अगर छिपाया जाएगा तो जानकारी कैसे प्राप्त होगी? हो सकता है वो वीथिका में लगाया ही ना जाए, तो मीडिया को तो बिल्कुल, मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को
बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी तो पब्लिक में बातें जाएंगी, तभी तो लोग यहाँ पर आएंगे देखने के लिए। और अगर चीज़ों को छिपा दिया जाएगा तो कहाँ से लोगों को पता चलेगा। इसलिए मैंने आज मीडिया को भी बताया और मीडिया के लोग यहाँ पर थे, उनके सामने मैंने ये फोटोग्राफ रिसीव कराया है भारत कला भवन के अधिकारियों को।